Sean. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब किसान से। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर पानी की कमी है, लेकिन पानी की कमी होते हुए भी हमारे किसान कुछ ऐसी फसलों का चयन कर सकते हैं जिससे कि अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सके, और उन्हीं में से आती है बेर और अनार की खेती। तो अगर आप बेर और अनार उगाना चाहते हैं तो किस तरह से आप ये कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। कृषि के क्षेत्र में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नए प्रयोगों को अपना रहे हैं, इसीलिए किसान अब बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं। शुरू से ही राजस्थान जैसे प्रदेशों में किसान उन फसलों को प्राथमिकता देते आ रहे हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती है और लंबे समय तक उत्पादन देती रहती है। ऐसी ही फसलों में आते हैं बेर और अनार। किसान इनकी बागवानी करके लाभ को कई गुना कर रहे हैं। ये दोनों फल यहाँ की जलवायु के हिसाब से काफी अनुकूल है, वहीं मौसम की मार झेलने में भी काफी सक्षम है। इसकी बागवानी वैसे तो सभी प्रकार की जलवायु में की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन और अच्छे आकार व गुण वाले फल उत्पादन के लिए शुष्क व गर्म जलवायु बेहतर है। समय की मांग के हिसाब से किसान अच्छी किस्मों का चयन करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अनार की खेती के बारे में। राजस्थान में लगाई जाने वाली अनार की उन्नत किस्में जोधपुर रेड, सिंदूरी, मृदुला, जालोर सीडलेस, भगवा, सुपर भगवा किस्म का चुनाव करने के बाद अनार की पौध तैयार करने के लिए बीज बुआई कर नर्सरी तैयार की जा सकती है। अनार में प्रवर्धन विधि से भी बाग तैयार किए जा सकते हैं। इसमें किसान इस बात का खास ध्यान रखे कि कलम के लिए ऐसी टहनियों का चयन करे जो करीब एक वर्ष की पकी हुई हो। अनार के बाग लगाने के लिए मई माह में ही गड्ढे तैयार कर लेना चाहिए। रोपाई करने का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है। इस दौरान जरूरी उर्वरक की मात्रा भी देनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए समय समय पर पौधे की काट छाट करते रहना चाहिए। इसके अलावा शुरू के 3 वर्षों में जब तक फल नहीं आते, उर्वरक को 3 बार जनवरी, जून और सितम्बर माह में देना चाहिए। चौथे वर्ष में जब फल आने लगे तो 2 बार उर्वरक देना चाहिए। इसका पौधा 3 से 4 साल में पेड़ बन जाता है और फल देना शुरू कर देता है। अनार के एक पेड़ से लगभग 25 सालों तक फल मिलते रहते हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पौधे को सही आकार देने के लिए समय समय पर छटाई भी करते रहे। ऐसा करने से नई शाखाएं आती रहती है जिससे फूल ज्यादा लगते हैं और पैदावार अच्छी होती है। साथ ही फलों की तुड़ाई की बात करें तो फल तभी तोड़ना चाहिए जब फल पूरे तरीके से पक जाए। लगभग 120 से 130 दिनों बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तुड़ाई के बाद फलों की ग्रेडिंग जरूर करें और पैक करते समय फलों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। अनार की खेती के लिए हमें बलुई दोमट भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें 2x2 का जो गड्ढे खोदकर गर्मी के समय के अंदर और गड्ढों को खाद व क्या नाम से दीमक की दवाई से उपचारित करके और उन गड्ढों को भर के और वर्षा से पहले जून माह के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर जो कटिंग द्वारा या गुटी द्वारा जो पौधे तैयार किए गए हैं उन्हें उचित दूरी के ऊपर इसके लिए 4x4 मीटर की दूरी रखते हुए हम उनके पौधों को लगा दिया जाता है। इसके पौधे लगाते समय यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें मल्टी स्टेम रखना है या सिंगल स्टेम रखना है। तो मल्टी स्टेम रखने से हमें यह फायदा होता है कि अगर मान लो कोई भी तना किसी रोगग्रस्त कारण से या कीट वगैरह के कारण से अगर खराब जाता है दूसरे तने के अंदर हमें पेड़ हमारा चलता रहता है। और इसके साथ साथ अनार के अंदर जो राजस्थान के अंदर सबसे मुख्य समस्या जो
हमारे सामने आती है वो अनार का फटना। इसके लिए अनार का फटने का कारण ये है कि जो तापक्रम का जो अंतराल है, क्योंकि जिसका जो डिफरेंस है तापक्रम का राजस्थान में, वो रात के समय में ठंड हो जाता है, दिन के समय तापक्रम अधिक बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ है ना जो पानी की अनियमितता रहती है, साथ ही बोरोन तत्व की कमी कारण से भी अनार फटते हैं। इसलिए हमें बोरोन तत्व का स्प्रे 0.5% का समय समय पर छिड़काव देना चाहिए। साथ ही हमें ज़मीन के अंदर भी बोरोन तत्व की पूरी मात्रा देनी चाहिए। साथ ही साथ में ऑर्गेनिक, जो कि अभी कार्बनिक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अनार के लिए हमें देसी खादों का, वर्मी कंपोस्ट का और कंपोस्टिंग का उपयोग करते रहना चाहिए। इसके साथ अनार के अंदर तीन बार फूल आते हैं, यानी तीन फल होते हैं, अंबे बहार, मरग बहार और अस्त बहार। तो इसके लिए विशेष रूप से जो फल हमें अक्टूबर नवंबर में उच्च किस्म के प्राप्त होते हैं वही सबसे उपयुक्त रहते हैं। इसलिए हमें इसके अंदर बहार ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, बहार फलन लेते हैं, तो हमें ऐसे फूलों का चयन करना चाहिए जिससे कि वो हमें अक्टूबर नवंबर तक हमें फल प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो अनार महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो उगता है वो उच्च किस्म का है, उसमें क्वालिटी जो भी कलर होता है वो ज़्यादा उच्च किस्म होता है। इसलिए उस क्वालिटी को हमको मेंटेन रखने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म तत्व है उनकी पूरी मात्रा हमें अनार के बगीचे में देते रहना चाहिए। साथ ही साथ मैं बता दूँ किसान भाई को, राजस्थान जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, वहाँ के हिसाब से यहाँ पर पानी की भी कमी होने के कारण से हमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ भारत सरकार व राजस्थान सरकार, उद्यान विभाग विभिन्न राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत में बगीचे लगाने पर अनुदान दिया जाता है। तो किसान भाई जो विभिन्न प्रकार के बगीचे लगाते हैं तो उसके अंदर अनुदान का अपना वो फायदा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेर की खेती की। बेर के पौधे लगाने की तैयारी भी मई जून माह में कर लेनी चाहिए। इसकी भी स्थान के हिसाब से किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जैसे अगेती किस्में गोला, काजरी गोला, मध्यम किस्में सेव, कैथली, छुआरा, दंडन, सेन्यूर 5, मुंडिया, गोमा कीर्ति, पछेती किस्में उमरान, काठा, टीकड़ी। पहली बारिश के साथ जुलाई माह में ही पौधों की रुपाई करनी चाहिए। बारिश ना होने की स्थिति में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। बेर की खेती के लिए खाद व उर्वरक की मात्रा पौधे की उम्र के हिसाब से दें। इसके अलावा बेर में कटाई छटाई का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरू के वर्षों में मूल वृंद से निकलने वाली शाखाओं को समय समय पर काटते रहे। कटाई छटाई करने का सबसे बेहतर समय मई का महीना होता है। इसके अलावा पौधों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हरी घास खाने से पशु ना होने लगे बीमार, मैग्नीशियम की कमी ना कर दे कहीं वार, कैसे पता चलेगी घास से हुई बीमारी? उपचार से बेहतर बचाव की सारी जानकारी देखिए ग्रास टिटेरी, कारण लक्षण और नियंत्रण। अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अगर आप खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। आइए अपने आज के कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देते हैं बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन किस तरह आप कर सकते हैं, इसमें कितनी लागत आती है और इससे कैसे मुनाफा हासिल किया जा सकता है, तमाम बातें जाने आइए कार्यक्रम के इस भाग में। गरीबों की गाय यानी बकरी, ये बहुउपयोगी पशु है जो सीमांत, भूमिहीन और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। बकरियां कम उपजाऊ मिट्टी में होने वाली झाड़ियों और पेड़ों को खाकर भी भरण पोषण करने में सक्षम है। बकरी पालन मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनसे खाल, बाल, रेशे भी मिलते हैं। साथ ही साथ इनके मलमूत्र का इस्तेमाल प्राकृतिक खाद के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे जीरो बजट खेती के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि बकरी पालन की ओर किसानों और पशुपालकों का रुझान बढ़ रहा है। आइए एक नज़र डालें इससे होने वाले फायदों पर। बकरी पालन के फायदे। बकरी पालन व्यवसाय को कम लागत में कर सकते हैं शुरू। आकार छोटा होने के कारण आवास और प्रबंधन होता है सरल। बकरियां 10 से 12 माह की आयु में ही गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। ये आमतौर पर एक बार में एक या दो मेमने देने में सक्षम होती है। सूखा ग्रस्त इलाकों में भी बकरी पालन अन्य पशुओं की तुलना में कम जोखिम भरा व्यवसाय। इस व्यवसाय में नर और मादा दोनों का ही अच्छा मूल्य मिलता है। बकरी के मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से मांग अच्छी बनी रहती है। हमारे देश में बकरियों की करीब 34 नस्लें पंजीकृत है। इनमें से मुख्य है जमुनापारी, बरबरी, सिरोही, जखराना, बीटल। अच्छी नस्ल के साथ साथ किसी भी दूसरे पशु की तुलना में बकरियों के आहार पर कम व्यय करना पड़ता है। आमतौर पर बकरी को सामान्य चराई करके भी पाला जा सकता है, लेकिन बेहतर परिणाम लेने के लिए एक बकरी को 2 किलो चारा, आधा किलो दाना ठीक रहता है। उसके अलावा अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अलग से देना चाहिए। गेहूं की भूसी, दालों का चूरा और मक्का आदि 3-4 चीजों को मिलाकर दाना तैयार किया जाता है। इसके अलावा सर्दियों में आहार में थोड़ा परिवर्तन करें और पशुओं को ऐसा आहार दे जिससे उन्हें अधिक ऊर्जा मिल सके। सामान्य दिनों में बकरी का आहार 2 किलो चारा, आधा किलो दाना, अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अतिरिक्त, गेहूं की भूसी, दालों का चूरा और मक्का मिलाकर दाना तैयार करें। बकरियों के आवास भी सरल और साधारण होते हैं। हालांकि आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में पशु की रक्षा कर सके। इस तरह से बकरी पालन में हर पहलू पर सावधानी रखकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो अभी अपने बकरी पालन के संबंध में कुछ ली विशेष जानकारियां। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सौरगम, बाजरा और सुडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
New Delhi plays host to the most prestigious tennis team event in the world, the Davis Cup 2022. India take on Denmark in the World Group 1 playoff. After 3 long years, India play a tie at home, and the team is ready to begin another memorable Davis Cup journey. From the Delhi Gymkhana Club, watch all the action live on March 4 and 5. ओ नंदरानी, तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। दिया, तुम्हें मुझे अधिक कभी पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, चाहे बात हो किसानों की या फिर बात हो फौजी की, जब बात देश की आती है तो हर कोई कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि फौज में रहे हैं और उसके बाद खेती किसानी के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाकर आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये दास्तां। स्वस्थ शरीर के पीछे शुद्ध आहार की अहम भूमिका होती है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। मौजूदा समय में बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थों में या तो मिलावट होती है या फिर वो रासायनिक उर्वरक से तैयार फसल उत्पाद होते हैं जो शरीर ही नहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। लगातार ये समस्या गहराती जा रही है, लेकिन इसका समाधान भी है और वो है प्राकृतिक खेती। इस खेती में तैयार होने वाले उत्पाद हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि प्रकृति के अनुकूल भी है। इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक किसान प्राकृतिक रूप से फसलें तो उगा ही रहे हैं, साथ ही इनसे शुद्ध उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में 16 साल देने के बाद उत्तर प्रदेश के गांव भमौरी के किसान सुनील जी अब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही वो प्राकृतिक रूप से कई तरह के उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं जिनकी मांग दिल्ली ही नहीं आसपास के कई शहरों में भी है। सुनील जी के यहाँ देसी मक्का, प्राकृतिक सिरका, कई तरह का गुड़, देसी शक्कर, देसी उड़द व मूंग दाल और मसाले मिल जाएंगे। सुनील जी गुड़ के कई फ्लेवर बनाते हैं जिनमें वे इलायची अजवाइन मिलाकर तैयार करते हैं जो सेहत के हिसाब से बहुत गुणकारी है। सुनील जी ने कैसे शुरू किया ये सफर, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैंने 16 साल बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से देश की सेवा की, देश की मिलिट्री में, सेना में, और उसके बाद काफ़ी जो हमने चिंतन किया, जो देखा विश्वव्यापक ग्लोबली सूझ के ऊपर हमने काम किया, पोल्यूशन के ऊपर, डिसीज़ के ऊपर, और हमारी जो धरती माता की जो क्षमताएं कम होती जा रही हैं, अनेकों प्रजातियां बहुत ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो इस तरह से हमने जो ये देखा है मिलिट्री में रहते हुए, उसको हमने यहाँ पे प्रयास किया अपनी खेती में आकर के कि किस तरह से खेती के माध्यम से इन इशू पर काम किया जा सके। मैं 16 साल वहाँ पे गौरव में सेवा देने के बाद मैं अपने यहाँ गांव आया और गांव में मैंने देखा कि खेती जो है काफ़ी बिगड़ रही है और इस खेती के उत्पादन से हमारी अनेकों बीमारियाँ फैल रही हैं पशुओं में, जीव जंतुओं में, आदमियों में। तो उस सब के कंट्रोल के ऊपर जो हमारा चिंतन रहा, वो मैंने पाया कि जैविक खेती इन सब का सोल्यूशन है। जैविक खेती केवल एक खेती नहीं है, एक जीवन शैली है, और वर्तमान में जो रासायनिक खेती हो रही है उससे ना बीमारियों के अलावा, पोल्यूशन के अलावा, किसान की आमदनी भी बिल्कुल ना के बराबर है। इस आमदनी को दुगना करने के लिए किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ऋणों में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, उससे मुक्त कराने के लिए जो हमारा विशेष चिंतन रहा, उसको हमने जैविक खेती के माध्यम से और इसके उत्पाद जो कि विश्वव्यापक बाज़ार में काफ़ी मांग है जिनकी, और हमारा दिल्ली और उसके आसपास का जो NCR क्षेत्र है उसमें विशेष मांग है, उनके हिसाब से हमने डेवलप किया। जैसा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ और ये गन्ने की बेल्ट है, तो मैंने गन्ने को ही व्यवसाय के रूप में यहाँ पर विशेषकर चुना है।
गन्ने से हम अनेकों प्रकार का अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग सुगंध में वैल्यू एडिशन करके गुड़, शक्कर, खांड, राव, सिरके का निर्माण कर रहे हैं। और ताज़ा गन्ने का रस भी हम यहाँ से जो है ऑर्डर पर सप्लाई करते हैं, और उसके लिए हमने कई अपने रस कोल्हू जगह जगह पर स्थापित किए हैं। इससे हमारी आमदनी तो दो ही गुनी नहीं बल्कि दसियों गुनी तक बढ़ी है। सुनील जी इस समय करीब 20 बीघा स्वयं की व 20 बीघा दान में मिली जमीन पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक शैली है जिससे आय में इजाफा तो होता ही है, साथ ही लोगों को सेहतमंद आहार भी मिलता है। सुनील जी ने अपने फार्म हाउस में कुछ महिलाओं को भी रोजगार दे रखा है। वो मानते हैं इससे महिलाएं सशक्त तो होगी ही, साथ ही उनकी आय में इजाफा भी हो सकेगा। उस पैसे का जो बढ़ी आमदनी है उस पैसे का हमने प्रयोग किया है गाँव की बेरोजगार जनता को और विशेषकर महिलाओं को रोजगार देने में। हमारे इस फार्मों में तकरीबन 6-7 महिलाएं जो बेरोजगार थी और जिनको और दूसरे फील्ड में कहीं जगह नहीं है, उनको कोई काम करा नहीं सकता है, उनको छोटे छोटे हमने कामों में यहाँ पे लगाया। हमने दाल बनाने के लिए बड़ी मशीन के स्थान पर छोटी हाथ से चलाने वाली चक्की यहाँ पर लगाई हैं। गाय के गोबर से बनाने के लिए हमने समिधाएँ बनाई हैं, यहाँ पर उपले बनाए हैं और जैविक खाद बनाया है जिसे घनजीवामृत कहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 10-12 लोग यहाँ पे हमेशा विशेषकर महिलाएं काम करती हैं, उनको रोज़गार देने में उस पैसे का सदुपयोग यहाँ पे हो पाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो कार्य हमने किए हैं, जो कार्य हमने किए हैं उससे हमारी आमदनी तो बढ़ी ही है, और साथ में उन बेरोजगारों को जिनको 10-10 रुपये भी तकरीबन नहीं मिल पाते थे, उनको अब कम से कम जो है 250, 300, 400 तक उनकी क्षमता के अनुसार पैसा यहाँ से प्रतिदिन मिलता है। सुनील जी का ये कदम अब भी देश सेवा से निहित है। जहाँ एक ओर वो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, वहीं मानव सेवा में भी अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। इसके साथ ही उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वर्तमान स्थिति के बीच रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।